गाइस ये हमारी मेन स्क्रीन है जिस पे हम अपना राजन भाई तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी ठीक ही होंगे। और आज मैं आपको अपना स्टूडियो टूर कराता हूं जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा में है। तो आइए अब स्टूडियो में लेके चलते हैं आपको। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ नमस्ते भाई। तो सबसे पहले मिलिए हमारे राजन भाई से। कैसे हो राजन भाई? लेट हो गया आज। हाँ भाई लेट हो ही गए आज। और ये मिलिए हमारे छोटे भाई से। हेलो कर दो। हेलो। तो गाइस ये है हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स करते हैं और एडिटिंग वगैरह भी करते हैं। तो राजन भाई बैठे हुए हैं हमारे पास, तो वो भी अभी वर्क कर रहे थे। क्या वर्क कर रहे थे अभी आप? थोड़ा वीडियो का देख रहे थे एडिटिंग। ओके ओके ओके। तो गाइज ये हमारी मेन स्क्रीन जिस पे हमारे प्रोजेक्ट सॉन्ग्स रिकॉर्ड्स होते हैं और वीडियो एडिटिंग्स वगैरह भी होती है। और सेकंड नंबर पे हमारे स्पीकर हैं जिन्हें मॉनिटर्स बोलते हैं। इसमें हमारी अच्छी वॉइस क्रिएट होके आती है, अच्छी वॉइस आती है। और ये हमारा सबसे मेन जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए मस्ट होता है, ये होता है एक साउंड कार्ड। और उससे भी मेन होता है हमारा ये कंडेंसर माइक जिसके बिना रिकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो गाइज ये होता है हमारा कंडेंसर माइक। तो कुछ यही मेन गैजेट्स होते हैं जिससे हम रिकॉर्डिंग कर पाते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की। और ये हमारा मैकबुक रखी है। तो यही चीज़ें होती है गाइज रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए। और जो हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन पे, वो क्यूबेस 12 वर्जन भी करते हैं और लॉजिक प्रो एक्स जो खाली मैक पे यूज़ होता है, मैक पे चलता है, वो विंडो में नहीं चलता है, और क्यूबेस चल जाता है विंडोज़ पे। सो गाइस अभी जो प्रोजेक्ट सॉन्ग का रखे हैं भाई ने, तो जो वो रिलीज़ हो चुके हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं हम। गाइस अभी आपको हमने सॉन्ग सुनाए, और अगर आपको और भी सॉन्ग सुनने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हम सॉन्ग सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज रहते हैं। जो इस स्टूडियो के ओनर है मोहित बैसला मेरे बड़े भाई, तो वो फिलहाल किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो आपको ज़रूर मिलाते हैं। और आप मिले भी हुए हैं, जो हमारी सेकंड वीडियो आई थी मेरे ख्याल में, सेकंड या पता नहीं थर्ड वीडियो आई थी डॉग प्रैंक वाली, उसमें जो मेरे बड़े भाई थे वो मोहित बैसला जी, उन्हीं का स्टूडियो है। सो गाइज हमारा जितना भी ऑडियो वीडियो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्क होता है, वो हमारा यहीं स्टूडियो पे ही होता है। और हमारे न्यू सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, म्यूजिक एम के रिकॉर्ड्स के नाम से उनका चैनल है। उस पर सभी आपको उनके सॉन्ग्स वगैरह अवेलेबल होंगे वहाँ पे। और बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डिवोशनल सिंगर, तो मेरा भी एक म्यूजिक चैनल रिसेंटली मैंने बनाया है, 2-3 दिन हुए हैं, तुषार गोड ऑफिशियल के नाम से है। तो आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें, और उस पर म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस वगैरह आएंगे, डिवोशनल सॉन्ग्स आएंगे, डिवोशनल प्रोग्राम्स आएंगे और सॉन्ग्स आएंगे, वो आपको वहीं पे अवेलेबल होंगे। तो जाकर आप जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको अपडेट्स वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तुषार गोड ऑफिशियल के नाम से आएगा वो चैनल, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और राजन भाई कुछ बोलना चाहेंगे? भाई तेरा चैनल चले बहुत बढ़िया, तरक्की करे, 5 मिलियन सीधा व्यूज आए। सो गाइस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं और फिर से मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके गाइस।